आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर आई विल टेल यू क्विक वे हाउ टू गेट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ योर एमिरेट्स आईडी। फर्स्ट डाउनलोड आईसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे जी उन 16 कंट्रीज़ पर, 16 कंट्रीज़ जिन पर यूएई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ से जी जो है फ्लाइट्स बंद हैं, लेकिन अभी जो अनाउंस किया गया है 8 कैटेगरीज़ अनाउंस की गई हैं, जो लोग इन 8 कैटेगरीज़ में से किसी एक में भी पूरा उतरते हैं वो लोग आ सकते हैं। फ्लाइट्स आ रही हैं और वो लोग उनमें आ सकते हैं अपनी बुकिंग करके, नॉर्मली जैसे होता है। अब वो 8 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली तो जी रखी गई सिटीजन्स, जो कि यूएई के सिटीज़न हैं, यूएई के नेशनल्स हैं, इमाराती हैं, वो लोग जी यूएई में आ सकते हैं, या फिर उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जो कि उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा नहीं उतरते, ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी रखी गई है डिप्लोमेट्स के लिए, जो लोग डिप्लोमेट्स हैं या इस पाकिस्तान या इंडिया या इन कंट्री से जो भी डिप्लोमेट्स हैं वो लोग आ सकते हैं यूएई के लिए, जो लोग हैं। इसमें अब सारे वर्कर्स शामिल हैं, वो लोग आ सकते हैं, हम लोग इसमें भी पूरा नहीं उतरते। तीसरे नंबर पे जी रखे गए हैं जो लोग एक्सपो 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो लोग अपना कुछ भी, अपना कोई एग्जीबिशन करेंगे, यानी कि अपना कोई नुमाइश लगाते हैं, कुछ भी एक्सपो 2020 में कर रहे हैं, अपना कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि अपना उनका कोई भी काम है। जैसे सपोज मेरी ट्रैवल एजेंसी है, तो मैं अपना ट्रैवल एजेंसी का कुछ वहाँ पर रखूँ, तो मैं किसी को भी स्पॉन्सर कर सकती हूँ, यानी कि किसी को भी अपने कंट्री से या किसी से भी इन्विटेशन दे के बुला सकती हूँ, पर्सनल किसी को भी बुला सकती हूँ और कंपनीज़ को भी बुला सकती हूँ। इसी तरह कोई भी जो है एक्सपो 2020 में उस एग्जीबिशन में हिस्सा लेगा, उस नुमाइश में हिस्सा लेगा, यानी कि या अपनी अपना कोई स्टॉल लगाएगा, कुछ भी करेगा, वो लोग आ सकते हैं और वो लोग दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं और कंपनीज़ को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब ये लोग भी आ सकते हैं, इसमें चांसेस हैं। अच्छा जी, ये लोग तो हो गए। अब कौन सी कैटेगरीज है? अब वो लोग हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमेंस हैं, जिनके यूएई में बड़े बिजनेसेस हैं, वो भी स्पेशल अप्रूवल के बाद, जैसे अगर फ्री जोन में है तो फ्री जोन अथॉरिटी की स्पेशल अप्रूवल के बाद, और अगर मेन लैंड में है तो जैसे दुबई में है तो GDRFA के अप्रूवल के बाद, ये लोग भी स्पेशल अप्रूवल के बाद आ सकते हैं यूएई में। इसके अलावा है जी ऑफिशियल डेलीगेशंस, जो कि ऑफिशियली जो लोग आएंगे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, वो लोग आ सकते हैं। ऑफिशियल डेलीगेशंस दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, यानी कि जितने भी 16 कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान और यूएई के दरमियान ऑफिशियल डेलीगेशंस भी आ सकते हैं स्पेशल अप्रूवल के बाद, इसमें भी आम लोग पूरे नहीं उतरते। इसके अलावा जी गोल्डन और सिल्वर वीज़ा है जिनके पास। गोल्डन वीज़ा 10 साल का है और सिल्वर वीज़ा जो है वो 5 साल का है। जिन लोगों के पास गोल्डन सिल्वर वीज़ा है वो लोग भी आ सकते हैं। अब गोल्डन और सिल्वर वीज़े के लिए कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा जी जो फ्लाइट क्रूज़ होते हैं, जो फ्लाइट मेंबर्स होते हैं, वो लोग आ सकते हैं, चाहे वो कार्गो फ्लाइट्स के हैं, चाहे वो पैसेंजर फ्लाइट्स के हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। और वो लोग भी आ सकते हैं जिनकी यहाँ बहुत वाइटल किस्म की जॉब है, बहुत अहम जॉब है और कंपनी का गुजारा उन लोगों के बगैर नहीं हो रहा, तो कंपनी उनकी अप्रूवल लेकर उन्हें बुला सकती है, यानी कि कंपनी उनकी अप्रूवल ले सकती है कि ये हमारे लिए बहुत अहम लोग हैं, इनका हमें कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा, इनकी जॉब बहुत अहम है, तो वो लोग भी आ सकते हैं अगर कंपनी अप्रूवल ले ले तो। अब दो में चांसेस हैं, एक तो ये जो लास्ट वाला है जिनकी कंपनी अप्रूवल ले, इस पे आ सकते हैं, या फिर एक्सपो में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो लोग आ सकते हैं, या फिर जो लोग एक्सपो में पार्टिसिपेट करेंगे वो लोग किसी को स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। आम लोग तो इसी तरह आ सकते हैं, बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें आना बहुत मुश्किल है। और रही बात के फ़्लाइट्स कब तक ओपन होंगी, अभी तक जो लास्ट अपडेट है उसके मुताबिक जी 28 जुलाई
है कि 28 जुलाई के बाद या फिर 1 अगस्त से फ्लैट्स ओपन होंगी, लेकिन ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। ये फिर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और यूएई की जो है अथॉरिटी है उन पर डिपेंड करेगा कि कब वो लोग अप्रूवल देते हैं इन कंट्री से फ्लैट ओपन करने के लिए। डेफिनेटली ये लोग भी देख रहे हैं कि कोरोना की सिचुएशन कैसी है और जो भी इनके कंसर्न है वो लोग देख रहे हैं। जब यूएई को लगेगा, बेहतर लगेगा कि अब इन कंट्री से फ्लैट्स ओपन कर सकते हैं तो कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म डेट बिल्कुल भी नहीं है कि फ़्लैट्स कब से ओपन होंगी। और आखिर में बात कर लेते हैं यूएई के वीज़ाज़ के बारे में। पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं अभी तक जो है सिंगल मेल्स के, अभी तक तो जी कोई अनाउंसमेंट नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि वीज़े ओपन हो गए हैं या फ्यूचर में कब तक होगा। पहले तो देखते हैं फ्लैट्स ओपन होती हैं, फ़्लैट्स ओपन होंगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि वीज़े कब तक ओपन होते हैं। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अब फ्लैट्स जल्दी ओपन हो जाएंगी, क्योंकि सिचुएशन जो है कोरोना की बहुत सारे कंट्रीज़ में अंडर कंट्रोल भी है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में नहीं भी है, जैसे इंडोनेशिया है। इंडिया में पहले से बेहतर है, बांग्लादेश में भी कुछ ख़ास बेहतर नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो डिपेंड करता है जी फिर लास्ट में सिचुएशन पर कि सिचुएशन कैसी रहती है और कब फ्लैट्स ओपन होती है।